Hey guys, this is Pratiksha and welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो मैंने नायका होली सेल में परचेज किए हैं. मैंने इसमें बेसिकली मिनी साइज के मैंने स्कैन किया है प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे उनको ट्राई करना था कि वो मेरे फेस पे कितने इफेक्टिव रहेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो नाउ. पार्सल मुझे 2 to 3 days में रिसीव हो गया था. सो देखते हैं इसमें क्या क्या है. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है द फेस शॉप का ये राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजर स्किन केयर सेट. इसमें 3 प्रोडक्ट्स है, एक है टोनर, इमल्शन और मॉइस्चराइजर. सो लेट्स सी. जो राइस सेरामाइड टोनर, देन इमल्शन मॉइस्चराइजर, देन मॉइस्चराइजर. देखते हैं पहले टोनर. ये वॉटरी फॉर्म है और एकदम ये इसकी माइल्ड स्मेल है और ये आपके स्किन में जैसे आप लगा रहे हो तुरंत ये एब्जॉर्ब हो जा रहा है. ये थोड़ा सा सीरम फॉर्म में है, ना कि एकदम वाटर जैसे कि टोनर होते यूजुअली कि लगाओ तुरंत गायब हो जाती है. ये थोड़ा सा सीरम फॉर्म में है. देन सेकेंड है इमल्शन मॉइस्चराइजर. इमल्शन मॉइस्चराइजर बेसिकली वो होते हैं जो जेल और वाटर फॉर्म में होते हैं, मिल्की फॉर्म होता है इनका. इसका मेरे पास ये बड़ा साइज है जिसको मैंने हाफ यूज किया है. मुझे ये अंडर 900 का मिला था. मुझे ये काफी इफेक्टिव और यूजफुल लगा. मैंने इसे ड्यूरिंग विंटर भी लगाया और समर भी लगाया. ये आपके स्किन में एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, लगता ही नहीं कि आपने अपने स्किन में कुछ लगाया है. एकदम ये आपको नेचुरल हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को. फिर है ये सेरामाइड मॉइस्चराइजर क्रीम. ये आपके स्किन में एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है. लाइट फॉर्मूला बेस है ये. एकदम इसकी स्मेल जो है एकदम माइल्ड सी है, लगता नहीं कि इसमें कोई ज्यादा हार्श फ्रेग्रेंस नहीं, एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस है सबकी. ये किट 850 की पड़ी और उसके साथ मुझे ये द फेस शॉप का कोलेजन किट फ्री मिली और साथ में मुझे ये ट्रेवल साइज का राइस वाटर फेस वॉश फ्री मिला. इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है कोलेजन टोनर. ये वाटर फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा सा थिक फॉर्म है जैसे सीरम्स होते हैं वैसा है. ये इजीली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जा रहा है. उसकी स्मेल भी एकदम माइल्ड सी है. देन जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये कोलेजन इमल्शन. ये आपके स्किन में एकदम इजीली ब्लेंड हो जा रहा है और इसकी स्मेल भी एकदम सी माइल्ड सी स्मेल है, कोई भी हार्श स्मेल नहीं है. देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ कितने ज्यादा हाइड्रेटेड दिख रहे हैं. देन मुझे ये राइस वाटर फेस वॉश फ्री मिला था और मैंने इसको देखा ना था कि ये फ्री मिल रहा है तो मुझे चाहिए था ये, तो मैंने इसका फुल साइज फेस वॉश परचेज कर लिया जो था 850 का. 850 का है. मैंने इसको यूज किया है, इसकी स्मेल एकदम जैसे बेबी के प्रोडक्ट्स नहीं होते वैसी है. और ये आप इसको यूज करते हो तो आपकी स्किन एकदम स्मूथ बेबी सॉफ्ट सी हो जाती है. तो मुझे ये फेस वॉश तो एकदम पसंद आया. सो आप लोग भी इसे ले सकते हो, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है क्योंकि इसकी छोटी सी क्वांटिटी से अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देता है. देन जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी है द फेस शॉप का वाटर टिंट.
इन द शेड 05 चेरी किस। और मैंने इसको यूज किया हुआ है गैस, ये इतना अच्छा टेंट है। मेरे पास और भी टेंट्स हैं पर वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं जितना ये करता है। और उसका जो कलर है इतना प्यारा, इतना है वो एकदम, ये वाटर फॉर्म में है। मैंने उसको यूज किया हुआ है, ये एकदम बहुत ब्यूटीफुल सा चेरी कलर देता है। और ये वाटर फॉर्म में, पूरा रनिंग फॉर्म में नहीं पर ये वाटर फॉर्म है। और थोड़ी सी भी क्वांटिटी इसकी देखिए आप, कितने अच्छे से टिंट देती है। और ये वाटर प्रूफ भी है और स्वेट प्रूफ भी है, तो ये बेस्ट है समर्स के लिए। अप टू 6 to 7 आवर्स तक लास्ट करता ही करता है, आपको उसको टचअप की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। ये टिंट मुझे अप्रॉक्स 550 का मिला था, उसके साथ मुझे ये ट्रेवल्स पाउच फ्री मिला था। ये हार्ट शेप का ट्रेवल्स साइज पाउच है जो वैलेंटाइन स्पेशल लिमिटेड एडिशन में आया है, तो उसमें आप अपने सारे ट्रेवल साइज सारे जो मिनीस हैं उसको आराम से कैरी कर सकते हैं। देखिए 5-6 प्रोडक्ट इसमें आराम से आ सकते हैं। और ये एकदम ट्रेवल फ्रेंडली है और ये इजीली ओपन और क्लोज हो जाता है। नाउ वी आर गुड टू गो। मुझे तब फेस शॉप के फेस वॉश और इमल्शन मॉइस्चराइजर काफ़ी पसंद है, और जो इनका टेंट है वो मेरा गो टू टेंट है ही है, फेवरेट। अगर आपको किसी भी अच्छे स्किन केयर में इन्वेस्ट करना है तो द फेस शॉप का जो स्किन केयर रेंज है वो काफ़ी बेस्ट है। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट का है, अगर आपने एक फुल साइज बॉटल या फिर फेस वॉश ले लिया तो वो आपके कम से कम 6 to 7 मंथ तक आराम से चलेगा। तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। मैंने इन साइड की आईब्रो पेंसिल ली है, इससे पहले मेरे पास एल्फ की आईब्रो पेंसिल थी जो मुझे काफी पसंद थी, वो खत्म हो गई थी, तो मैंने कहा एक बार ये इसको भी ट्राई करते हैं। पर ये जो आई है वो थोड़ी सी टूटी हुई आई, जगह जगह से टूटी हुई है, तो उसको यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज सही है। इसके जो स्वॉजेस हैं वो एकदम थिन स्वॉजेस है, ये ग्रे ब्राउन शेड में है, ग्रेश ब्राउन शेड में है ये। पर ये स्मच प्रूफ नहीं है, आप स्मच करेंगे आराम से हट जाएगी, स्मच प्रूफ नहीं है, वाटर प्रूफ है पर स्मच प्रूफ ये नहीं है। ये डार्क ग्रे शेड में है, उसमें लिखा है स्मच भी पर ये स्मच कर जाती है। उसके साथ स्पूली भी मिला है जिससे आप अपनी आईब्रोज को अच्छे से ब्रश आउट कर सकते हो। 130 की थी, मुझे डिस्काउंट में ये 117 की मिली। मुझे लगता है कि इस रेंज में आपको और भी अच्छे आईब्रो पेंसिल मिल जाएंगी, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैं ऐसे रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगी। देन आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डॉटर घी का फेस वॉश जो है सीसा फेस वॉश, इसमें सैलिसिलिक एसिड एंड ग्रीन टी है। और ये 250 का है और इसमें 100 ml इसकी क्वांटिटी है। मैंने इसे डी परचेज किया, मैंने इसको पहले भी यूज किया था, इसकी जो स्मेल है वो एकदम काम है, इसकी स्मेल एकदम काम है। और ये कम क्वांटिटी में आपके फेस को अच्छे से क्लेंस कर देता है, और मुझे लगता है 250 के अमाउंट के हिसाब से ये बेस्ट फेस वॉश है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। देन आर लास्ट प्रोडक्ट इज डव का कंडीशनर, मैंने इसे बहुत पहले यूज़ किया था, फिर मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था, फिर मैं लॉरियल कंडीशनर में शिफ्ट कर गई थी। फिर अभी कुछ मंथ से मैंने एम कैफिन का हेयर मासेस यूज़ किए थे, मुझे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे, तो मैं वापस इसमें डव के कंडीशनर में आई हूँ जो 460 के अमाउंट में है। और ये 335 ml है, जो मुझे लगता है प्राइस वाइज काफ़ी अच्छा है। और आप लोगों ने अगर कभी भी डव्स के शैम्पूस या कंडीशनर यूज़ किए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है आपके हेयर्स में कम से कम 2 to 3 दिन तक आराम से रहती है, और ये अच्छे से आपके हेयर्स को क्लेंस करता है और आपके हेयर्स को स्मूथ करता है। तो मैं इसे ट्राई करके इसकी जो रिव्यू वीडियोस होगी मैं अपने शॉर्ट्स पे अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स को देखते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। मैंने इसमें नायका होली सेल में जो प्रोडक्ट्स लिए थे उनके बारे में एक मिनी रिव्यू दिया है, और रिव्यू मैं अपने शॉर्ट्स में अपलोड करती रहूँगी। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।